नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड 19 से जुड़े सभी अहम अपडेट्स देंगे। देश में 22 अप्रैल को रिकॉर्ड 3.32 लाख से अधिक कोरोना मामले दर्ज किए गए। इनमें एक्टिव मामलों की संख्या 24.28 लाख के पार पहुंच गई, जबकि बीते 24 घंटे में 2,263 कोरोना मरीजों के दम तोड़ने की भी बात सामने आ रही है। महामारी से मरने वालों की संख्या 1,86,920 हो गई है। देश में लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोविड 19 से ठीक होने की दर पहले से गिरकर करीब 84% ही रह गई है। 22 अप्रैल को हुई मौतों में से 82% मौत 10 राज्यों में हुई। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण से मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 568 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। देश के कोने कोने से कोरोना के जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। अमर उजाला के मुताबिक 22 अप्रैल गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 476 शवों का अंतिम संस्कार घाटों पर किया गया, लेकिन सरकारी आंकड़े में मात्र 3 लोगों की मौत कोरोना वायरस से दिखाई गई। शहर में मौतों का आलम यह रहा कि लगातार 5वें दिन घाटों पर जगह कम पड़ने पर रात 8 बजे तक गंगा किनारे रेत और पार्कों में चिताएं जलानी पड़ी, जबकि विद्युत शवदाह गृहों में रात भर अंतिम संस्कार चलता रहा। आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, हम आपको बस सरकारी आंकड़ों और शमशान घाट पर पहुंचने वाले शवों के आंकड़ों से रूबरू करवा रहे हैं। हालात इतने विकट हो गए हैं कि घाटों पर टोकन के माध्यम से अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस समय ऑक्सीजन की किल्लत से भयंकर तरीके से जूझ रही है। कुछ अस्पतालों में कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन शेष रह गया है, जबकि कुछ जगह पर अंतिम वक्त में ऑक्सीजन पहुंचा है। दिल्ली के कई अस्पतालों द्वारा सरकार के सामने जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने की गुहार लगाई जा रही है। इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर ISIC वसंत कुंज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे पास 160 कोविड मरीज हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बचा है। हम लोग गुरुवार रात से ऑक्सीजन सप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका है। जितनी जल्दी हो सके हमारी मदद की जाए। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 2 महीने यानी मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है, ऐसा सरकार कह रही है। बताया गया कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल, अगर यह योजना ठीक तरह से लागू की जाएगी तो इससे कई सारे ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। कोरोना वायरस के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी को जिम्मेदार ठहराया गया तो वह चीन है। चीन के हालात फिलहाल बेहतर नज़र आ रहे हैं। चीन कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से त्रस्त भारत को मदद मुहैया कराने को तैयार है। चीन ने गुरुवार को कहा कि वह भारत को कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद करने और मेडिकल सप्लाई करने के लिए तैयार है। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते संकट का सामना कर रहे भारत में मेडिकल ढांचा चरमराने लगा है, लिहाजा चीन ने मदद के लिए आगे आने की हामी भरी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेन बिन ने कहा है कि चीन ने गौर किया है कि भारत में कोरोना की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और वहां इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए चिकित्सकीय संसाधनों की स्थायी किल्लत महसूस की जा रही है। हम भारत को हर ज़रूरी मदद मुहैया कराने के लिए तैयार हैं ताकि वो महामारी पर जल्द से जल्द काबू पा सके। अब आगे बुलेटिन में हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे। इन वीडियोस के कुछ दृश्य आपको विचलित भी कर सकते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए हम मजबूर हैं। पहला वीडियो हरियाणा के जींद से है। जींद के सिविल अस्पताल से कोरोना वैक्सीन चोरी हो गई थी, लेकिन वैक्सीन वापस मिल गई हैं। वैक्सीन मिलने के बाद सभी लोग हैरान रह गए हैं।
लोग हैरान इसलिए रह गए हैं क्योंकि वैक्सीन चोरी करने वाले शख्स ने सॉरी कहते हुए वैक्सीन लौटाई है। हालांकि यह वैक्सीन अब किसी के काम की नहीं रह गई है क्योंकि इसकी पैकिंग खुली हुई है। वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए इसे एक नियंत्रित तापमान पर रखना होता है। सिविल लाइन थाने के सामने चाय की दुकान पर प्लास्टिक बैग में वैक्सीन की शीशियां मिली। वैक्सीन के साथ चोर ने एक पर्ची भी छोड़ दी थी। इस पर्ची में लिखा था, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि यह कोरोना की दवाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश मध्य प्रदेश से एक ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसे देखकर मन छलनी हो जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वीडियो को देखिए। यहां भर्ती कोविड के लगभग 12 मरीजों की मौत हो गई थी। शवों को अंतिम संस्कार के लिए एक साथ मुक्तिधाम ले जाया जा रहा था। सारे शव एक एम्बुलेंस में बुरी तरह भरे हुए थे। फिर जो हुआ उसे जिसने भी देखा वो सिहर उठा। ड्राइवर के गाड़ी मोड़ने पर गाड़ी का दरवाजा टूट जाता है और परिजनों के सामने मृत मानव शरीर करीब 10 मिनट तक वहीं उसी हालत में सड़क पर पड़ा रहता है। करीब 10 मिनट के इंतजार के बाद उसे वापस शव वाहन में रखा जा सका। लाचारी, बदहाली और असंवेदनशील व्यवस्था से इंसान जूझ रहा है। ऐसे में कैसे कहा जाए कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तीसरी और बुलेटिन की आखिरी वीडियो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में शुक्रवार को एक हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगने के बाद 14 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जो कहा उसे इस देश के नागरिक को ध्यान लगाकर सुनना चाहिए ताकि आप जान सकें कि मंत्री जी के लिए उनके राज्य के नागरिक की कीमत क्या है। 100% अबाउट ऑक्सीजन वी विल बी स्पीकिंग। हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, हम रेमडेसिविर के बारे में बात करेंगे। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। और बाबा ये राज्य सरकार के हद तक हम जरूर पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। 10 लाख रुपए मदद करने की जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट और इलेक्ट्रिकल ऑडिट ये हर बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है। वो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनको बिल्कुल बहुत सख्ती से कार्रवाई उनपे की जाएगी। इसमें डिटेल जांच की जाएगी। जांच करने का रिपोर्ट 10 दिन में हम हासिल करेंगे और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम हमारी पूरी संवेदना जिनके परिवार ये सभी मृत जो हुए हैं उनके परिवार के प्रति है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से ये जंग जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाहर निकलने पर मास्क लगाइए और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और तभी आपका समाज सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।